एसोसिएशन व BIS भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त प्रयासों से एवं NFI और ट्राई सिटी इको वॉरियर्स के सहयोग से आज BIS जागरूकता शिविर व प्लास्टिक फ्री पंचकूला अभियान सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 10 पंचकूला में आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता रोटरी क्लब पंचकूला मिड टाउन की प्रेसिडेंट पंकज कपूर ने की। साथ ही उप निर्देशक हर्ष सोनकार व निखिल चंद्रा ने BIS का प्रतिनिधित्व किया। कंज्यूमर्स एसोसिएशन के चीफ पैटर्न SK जैन ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। इस क्षेत्र की पार्षद सोनिया सूद व उमेश सूद, जिला उप प्रधान BJP पंचकूला व सुनील दीवान, सचिव रोटरी क्लब पंचकूला मिड टाउन विशिष्ट अतिथि रहे। एसोसिएशन के प्रधान MC राणा ने कंज्यूमर्स एसोसिएशन के स्वर्णिम इतिहास का विवरण दिया तथा NFI के बारे में बताया। BIS के उप निर्देशक हर्ष सोनकार व निखिल चंद्रा ने भारतीय मानक ब्यूरो के आप व अन्य स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने श्रोतागण से भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनका ऐप व BIS के बारे में जागरूकता बढ़ाई। इसी संदर्भ में कंज्यूमर्स एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सुरेश गोपाल ने श्रोतागण को BIS के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्हें ISI व ISO तथा अन्य संबंधित विषयों पर जानकारी दी। इसके बाद ट्राई सिटी इको वॉरियर्स की प्रेम मेहता व NK सिंगल ने प्लास्टिक फ्री पंचकूला अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्ले कार्डस पर डिस्प्ले कर प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। प्लास्टिक फ्री कैंपेन चल रहा है, हम सेक्टर 10 में पहुंचे, तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय मेरी ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं हमारे राज्यसभा के, उनके साथ सरोकार में से ये अभी एक सपना है कि हमारा प्लास्टिक फ्री पंचकूला हो। तो पंकज कपूर जी ने जो अभियान चलाया है कि प्लास्टिक फ्री पंचकूला होने के लिए, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विजय शर्मा जी को इतना अच्छा प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैंने आशा करती हूँ कि ऐसे कितना जरूरी मानते हैं मैम प्लास्टिक को फ्री करना, मतलब प्लास्टिक के कारण कितने नुकसान हो रहे हैं, कितना जरूरी मानते हैं इसको? ये तो देखो, जैसे हमारा सांस लेना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो मुझे लगता है शहर के लिए, पंचकूला के लिए या फिर हमारे भारत के लिए भी मैं कहूँगी कि प्लास्टिक फ्री होना बहुत जरूरी है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सिटीजन सप्लाइज के अंडर आ रहा है और इन्होंने एक अभियान चलाया है कि जितने भी हमारे ग्राहक हैं उनको जागरूक करने के लिए, इसीलिए हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटे टाउन में ये फंक्शंस अरेंज करने हैं। तो BIS का बेसिकली जो अभियान है वो है कि कस्टमर को जागरूक करना, और वो जागरूकता इस बारे में है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी और सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में बताना चाहता है। और इसमें उन्होंने एक BIS केयर ऐप भी लॉन्च किया है जिसके अंदर हम ISI मार्क, हॉल मार्क होने के लिए और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसके बारे में जागरूक करते हैं। तो उसके बारे में ये स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं और लेटेस्ट है कि ग्राम पंचायत में भी जा रहे हैं। तो इनका जो मेन अभियान है कि हर हर टाउन में, हर हर शहर में, हर हर RW के थ्रू, हर सेक्टर में जाके, हर गांव में जाके सबको जागरूक करना है कि क्वालिटी क्या होती है, सही प्रोडक्ट क्या होता है और हमें कैसे धोखेधड़ी से बचना है, उसके लिए क्या क्या हमें कार्य करने चाहिए। धन्यवाद जी। जो आज का प्रोग्राम था प्लास्टिक फ्री, इसके बारे में बता दीजिए। देखो, ये हम प्लास्टिक फ्री के ऊपर जो मुहिम है ये हम पूरे पंचकूला में चला रहे हैं और हमारे साथ इसमें जो सहयोगी हैं ट्राई सिटी को वॉरियर्स, जो बहुत ही बार लेवल पे, जैसे बोलते हैं इन्होंने स्टार्ट किया था गारवा 4 से 5 लोगों के साथ, जो आज पूरे 120 लोगों की टीम हो गई है जो पूरे पंचकूला में ये प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्लास्टिक की को मुक्त करने के लिए अभी 50,000 थैले छुपवाए गए हैं, जो 50,000 थैले का मकसद ये है कि पूरे पंचकूला सिटी में विकल्प स्टोर खोलना। जो विकल्प स्टोर खोले गए हैं पूरे पंचकूला में उसमें 10 रुपये चार्ज करते हैं और 10 रुपये चार्ज करने के बाद अगर कोई भी आता है तो उसको ये बोलते हैं कि
प्लास्टिक की पॉलीथीन की बजाय आप ये 10 रुपये का ही बैग लीजिए और उसके बाद जब भी आप वापस आएँ उसको रिटर्न कीजिए और अपना रिफंड ले लीजिए। तो ये एक अपने आप एक अनोखा प्रयास है और जो कंज्यूमर एसोसिएशन और NFI का जो इसमें सहयोग है ये बहुत बड़ा सहयोग है। NFI की लगातार एक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो आगे आने वाले NFI और रोटरी के क्या प्लानिंग है कुछ बताएंगे? जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्लास्टिक मुक्त के ऊपर बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है जो ट्राई सिटी को वाले सभी 8 अक्टूबर को एक रैली आयोजन करने जा रही है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें हमारे हरियाणा विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आ रहे हैं क्योंकि उनके 7 सालों में से 1 साल पर प्लास्टिक मुक्त पंचकूला भी है और अपने गुलभूषण गोयल जी भी आ रहे हैं मेयर साहब और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं सचिन गुप्ता जी भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो है ड्रग फ्री पंचकूला उसके ऊपर रोटरी का हमेशा से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। NFI अभी का भी पूरा सहयोग करा है और कंज्यूमर एसोसिएशन का भी, उसके लिए हम लगातार ड्राइव चलाएंगे और रिसेंट में अभी नेक्स्ट वीक में हम ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं तो इस साल हमारा मोर देन 10,000 ट्रीज प्लांटेशन करने का भी मोटिव है। जल्द ही पंचकूला को हम प्लास्टिक फ्री देखेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि जल्द ही हम पंचकूला को प्लास्टिक मुक्त देखेंगे। ये जिस तरीके से सारी NGO साथ में मिलकर आ गई हैं और जैसा अभी उमेश सूद जी ने बोला कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में हमें भी इंटीमेट करें ताकि ये सभी काउंसलर जो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं वो सब अगर साथ मिलकर आ जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि वो दिन दूर होगा कि प्लास्टिक मुक्त पंचकूला। थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।